गलत तरीके से किसी जमीन का दाखिल खारिज कराने से आप उस जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में यदि गलत तरीके से आप जमीन का एंट्री करवा लिए हैं तो उससे आप जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो एक मैटर चल रहा था, उस मैटर में जो फैसला दिया गया था, उस फैसले के अगेंस्ट में जो पार्टी वहां से केस हारा था उसने अपील दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फैसला दिया है उस फैसले को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आप यदि गलत तरीके से किसी जमीन का म्यूटेशन करा लिए हैं, दाखिल खारिज करवा लिए हैं, तो उस तरीके से आप उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मैटर बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसमें जिसके फेवर में दाखिल खारिज था, रिवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री थी, उसके फेवर में उसने जजमेंट पास कर दिया। वो व्यक्ति केस जीत गया। जो व्यक्ति केस हारा था उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए, फैसला देते हुए, वर्डिक्ट देते हुए उस पर यह कहा कि रिवेन्यू रिकॉर्ड में यदि आपका एंट्री है, आपके नाम से एंट्री है, तो रिवेन्यू रिकॉर्ड सिर्फ ये तय करता है कि आप उस जमीन के जो कर देंगे, राजस्व विभाग जो है वो कर आपसे वसूली करेगा, लेकिन आपका मालिकाना हक तय नहीं करता है। गलत तरीके से आप यदि जमीन का म्यूटेशन करवा लिए हैं तो आप उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते। अब गलत तरीके से म्यूटेशन कैसे होता है, आइए इस बिंदु को जानते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्लॉक में जो सीओ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, आरओ होते हैं, सबको जो पार्टी पैसे वाला होता है, जिसका अप्रोच होता है, पहुंच होता है, पैरवी होता है, पैगाम होता है, वो उस व्यक्ति को मिला के पैसे के बल पे, पैसा खिला के म्यूटेशन गलत तरीके से जमीन का करवा लेता है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री भी हो जाता है, तो वह समझता है कि जमीन का हम मालिक बन गए। लेकिन नहीं, ये कराने से आप जमीन का मालिक नहीं बन सकते। इस मालिकाना हक को तोड़ने के लिए जिस व्यक्ति का असल में वो जमीन है, वो व्यक्ति सिविल कोर्ट में सूट दायर करके, वादा दायर करके और अपना जमीन वापस ले सकता है, बशर्ते कि उसको उसके फेवर में सारा पुख्ता सबूत हो। जब तक जमाबंदी नंबर चेंज नहीं होगा, जमाबंदी यानी कि रजिस्टर 2 में आपका नाम नहीं अंकित होगा, तब तक आप उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए ये यदि कोई समझता होगा कि मैं जमीन का म्यूटेशन करवा लिया हूं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरा एंट्री हो गया है, तो हम उस जमीन का मालिक बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप यदि सीओ से मिलके, आरओ से मिलके, किसी से मिलके पैसे भी खर्च किए हैं तो वो पैसा आपका बेकार ही जाएगा। यदि पार्टी मजबूत रहेगा तो अपना टाइटल साबित करके और आपका जमीन आपके हाथ से छीन लेगा। तो इसीलिए गलत तरीके से कभी भी जमीन किसी का ना लें। बॉम्बे हाईकोर्ट में ये फैसला दिया गया था और मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किया गया तो वहां पे वो केस हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जो असल ऑनर है, जिसने गलत तरीके से म्यूटेशन करवा के उस पर हक नहीं जमा रहा था, वो व्यक्ति केस वहां पे जीता है। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।